क्षेत्र के सभी निवासियों को बधाइयाँ, शुभकामनाएँ इस आशा अपेक्षा के साथ कि भारत ने अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर समाहित किया है। गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी परेड निकली है, सभी विभागों की प्रदर्शनी भी निकली है। भारत राज्य एक गणतंत्र देश है और 20 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र हुए थे, जिसमें हमने भारत के संविधान की रचना की थी और उसको हमने एक सोवरेन स्टेट बनाने की बात की थी और इसको हम लोग पालन भी कर रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि सभी नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करें और देश को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। सर, जिले वासियों गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कल हम लोग 26 जनवरी का कार्यक्रम कर रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम है, एक नेशनल फेस्टिवल है। हम लोग पूरे देशवासी इसको मिलजुल कर हर्षोल्लास से मनाते हैं और मेरी यही कामना है कि नीमचवासी से इसको शांति प्रिय ढंग से और हर्षोल्लास के साथ मनाएं और आगे पूरा साल अच्छा निकले इन सब के लिए। आप सभी नीमचवासियों को शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं कमलेश सारड़ा, जिला अधिमान्य पत्रकार। गणतंत्र दिवस के इस पर्व पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि हे मेरे वतन के लोगो, तुम खूब लगा लो नारा। वो शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों के ने जो प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। गणतंत्र दिवस की क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से एवं पत्रकार संघ की ओर से और सांसद जी की ओर से भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। अपनी मातृभूमि को शत शत प्रणाम करती हूँ। मुझे गर्व है मैं 1857 की क्रांति के अमर शहीद लाला हुकुमचंद जी एवं फकीर चंद जी अग्रवाल जैन की वंशजा हूँ, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिनका शहीद दिवस 19 जनवरी 1858 को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज मैं 26 जनवरी के अवसर पर सभी देशवासियों एवं नगरवासियों को बधाई देती हूं एवं शुभकामना करती हूं। हमारा देश निरंतर इसी तरह तरक्की करता रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमारे देश के दो राष्ट्रीय पर्व हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। इस दिन हमारा देश का संविधान 1950 में लागू हुआ था, जिसके बदौलत आज पूरा देश हमारा एकजुट है और उस संविधान के बदौलत ही पूरा देश संचालित हो रहा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर मैं हमारे समस्त जिला वासियों को, नगर वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि सभी एक रहें और मिलजुल कर देश की तरक्की करें। गणतंत्र दिवस की इस शुभ बेला पर मेरे समस्त जिले के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा विभाग की तरफ से पूरे शिक्षा जगत को और मेरे समस्त पालकों, छात्र छात्राओं एवं नागरिक बंधुओं को, प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक सर, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं नीमच जिले के समस्त नगरवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा नीमच जिला स्वच्छ रहे, यहां के नागरिक स्वस्थ रहें और जो कोरोना महामारी का जो आतंक हमारे 9 महीने से हमारे दिल और दिमाग पर छाया हुआ था, वो दूर हो, यही शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। जी, 1950 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस संविधान लागू हुआ है, इसलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी को 26 जनवरी इसलिए कि 1935 में 26 जनवरी को कांग्रेस ने स्वराज्य, देश को स्वराज्य घोषित किया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। इसलिए सभी नीमचवासी एवं देशवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय कांग्रेस।
ये गणतंत्र दिवस 71वां गणतंत्र दिवस है और कई शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दे दे के गणतंत्र दिवस को दिवस के उसके अंदर अपना करा है। अगर वो कुर्बानी नहीं देते तो गणतंत्र दिवस भी नहीं होता। गणतंत्र दिवस के मैं नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया के जिला का प्रभारी हूँ और मैं पूरे एंटी करप्शन की तरफ से पूरे जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूँ और उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने गणतंत्र दिवस के आज जो मना रहे हैं जिनकी बदौलत में है उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि एंटी नेशनल ब्यूरो की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो गणतंत्र दिवस अपन मना रहे हैं अगर बाबा साहब का संविधान दिवस के रूप में मनाना चाहिए क्योंकि बाबा साहब अगर संविधान लिखा था तो 26 जनवरी 1950 के अंदर संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने के बाद में ही गणतंत्र दिवस का रूप धारण करा क्योंकि कई देश के अंदर जितने भी छोटे मोटे रियासतें थी तो रियासतें सम्मिलित करने के बाद में उसको गणतंत्र दिवस का रूप धारण किया करा था। तो इसलिए बाबा साहब का जो संविधान लिखा है संविधान के बदौलत ही अपन आज देश के अंदर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और बाबा साहब के जो इतना बड़ा संविधान लिखा विश्व का सबसे नंबर वन और यानी पूरे विश्व के अंदर नंबर वन ये अपना भारतीय संविधान है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसके बदौलत हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और मैं नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से गणतंत्र दिवस के सभी दो जिलेवासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। सबसे पहले तो 9 वर्ष और 26 जनवरी की सभी जिलेवासियों को शुभकामना और इस दिन जो गया साल था 26 जनवरी का और उसके बाद ही फरवरी में जो एक कोरोना की महामारी आई है उसको लेकर पूरी देश के अंदर कोरोना का दहशत फैल गई थी, काफ़ी लोग मरे। लेकिन अब जो 26 जनवरी हमारा नया साल आया है गणतंत्र दिवस पर हम सभी जिलेवासियों को यही शुभकामना देना चाहते हैं कि इस वर्ष सभी जिलेवासी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना जिस तरह से अपना नियमित रूप से जो काम करें वैसा हमारा देश में जिले में चलता रहे। हम सभी को शुभकामना देते हैं और गणतंत्र दिवस बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे सभी देशवासी और जिलेवासी मनाएं, यही हमारी शुभकामना।